हेलो टॉम जी, एक गुलदस्ता आई आई हो गया ना पंचर। अगर आपको भी इंग्लिश में फ्लर्ट करने में या आपको भी अंग्रेज़ी में अपनी बात जताने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो को ज़रूर ज़रूर से देखें। फ्लर्टिंग का मतलब होता है किसी से भी अट्रैक्ट होकर अपनी इंटरेस्ट को दिखाना। आज आपको मैं बताऊंगी कुछ फ्लर्ट करने के ऐसे सुंदर सुंदर शब्द जिसको सुनकर अगले को रहा नहीं जाएगा आपसे मिलने के लिए। तो बेचैन हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। फ्लर्टिंग को हिटिंग भी कहते हैं। हिटिंग का मतलब मारना नहीं होता, हिटिंग ऑन का मतलब होता है किसी पर अपनी निगाहें गड़ाना। I was on the subway and some guy was hitting on me. मैं सबवे में खड़ी थी। सबवे का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, रोड के नीचे से जो टनल निकलता है जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर लेके जाता है, उसे सबवे कहते हैं। इसको नॉर्मल तरीके में ये मतलब से समझते हैं कि मैं सबवे में खड़ी थी और कुछ लोग आके मुझे मारने लगे। नहीं मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि मैं सबवे में खड़ी थी और कुछ लड़के थे जो मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे। आपको किसी से दोस्ती करनी होगी तो आप उसकी तारीफ़ कैसे करेंगे? आपको ऐसे नहीं बोलना है यू लुक ब्यूटीफुल, सब लोग बोलते हैं, या यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अरे यार, कुछ नया बोलो ना, ऐसे बोलिए ना यू लुक मैग्नेटिक, मतलब तुम चुंबक की तरह एकदम लग रही हो मुझे। या आप ये कह सकते हैं यू लुक गॉर्जियस। लड़कों के लिए कह सकते हैं हम लोग यू आर स्मार्ट, यू आर हैंडसम। लड़कों के लिए भगवान ने बहुत कुछ बनाया नहीं है, बेचारों लोग को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, लड़की हंस दे उनके लिए यही काफ़ी है। अगर आपको डायरेक्टली उससे ये पूछना हो कि क्या तुम व्हाट्सअप यूज़ करती हो, क्या तुम फेसबुक यूज़ करती हो, तो हम लोग कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे आर यू ऑन फेसबुक, क्या तुम फेसबुक में हो। ऐसे नहीं पूछेंगे हम लोग व्हाट्सअप चलावत हनी। अब आई नंबर लेने की बारी। अगर आप डायरेक्टली पूछेंगे जाकर क्या तुम अपना नंबर हमको दे सकती हो, तो वो नहीं ही बोलेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेस्पेरेट लगता है। इसीलिए आप उससे ऐसे पूछ सकते हैं कैन आई गेट योर डिजिट्स। लड़की लोग ना अच्छे इंग्लिश बोलने वाले लड़के को अपना नंबर जल्दी दे देती है, तो इसीलिए नंबर्स का यूज़ नहीं करके आप उसके बदले डिजिट्स लगाइए, देखिए आपको कैसे धड़ाधड़ नंबर मिलेगा। या अगर आपको बहुत ज़्यादा शर्म आती है नंबर मांगने में, तो आप एक काम कीजिए, उसे अपना नंबर दे दीजिए और उसको बोलिए कॉल मी सम टाइम, ओके। इससे आपने उसको स्पेस भी दिया है उसके ज़िंदगी में कि उसका मन करेगा तो वो कॉल करेगी, उसका मन करेगा तो वो नहीं करेगी। अरे भैया, प्यार व्यार ज़बरदस्ती ना होता है। इसके बाद मोस्ट फेमस इंटरनेशनल, नेशनल भी नहीं इंटरनेशनल सेंटेंस, तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है। इसको आप कैसे कहेंगे? यू हैव अ लवली स्माइल। या तो अगर आप पूरा 100% श्योर है कि ये लड़की के पीछे और 100 लड़का दीवाना है, तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं हैज़ एनीबडी एवर टोल्ड यू दैट यू हैव द बेस्ट स्माइल। अब लड़की को पता है कि वो कितनी सुंदर है और उसके पीछे 100 लड़के ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वो भी स्टाइल मार के क्या कहेगी ये सुनिए। ये आई गेट दैट अ लॉट एक्चुअली, मतलब हाँ बहुत लोगों से सुने हैं, तुम पहले थोड़ी ना हो। अब किसी से प्यार श्यार में पढ़ने के पहले पता लगाना चाहिए कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है, तो उसके लिए आप ऐसे पूछिए आर यू सीइंग एनीबडी लेटली। लेटली का दो मतलब होता है, एक लेट मर जाने वाला और एक लेट देर वाला। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, आर यू सीइंग एनीबडी लेटली, क्या तुम किसी मरे हुए इंसान को देख रही हो? नहीं, ये तो नहीं होगा। क्या तुम इन दौरान किसी को देख रही हो? नो, आई एम नॉट, आई जस्ट हैवन्ट मेट द राइट पर्सन आई गेस। उसके बाद आता है योर आईज आर डीप। अगर किसी की आंखों की तारीफ करनी हो तो उसको कहिए तुम्हारी आंखें बहुत गहरी है, तुम्हारी आंखें झील जैसी है। उसके बाद अगर आपको किसी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत बेताबी हो रही है, तो आप उसको डायरेक्टली मत कहिए कि आई वॉन्ट टू मीट यू। इससे उसका एटीट्यूड बढ़ जाएगा
और वो इंसान भाव खाने लगेगा। इसीलिए इसको आप तमीज़ से कहिए, आई विश आई कुड मीट यू वंस, काश मैं तुमसे एक बार मिल पाता। इसके बाद अगर आप किसी से चैट कर रहे हो और अगला अगर कहे कि रुको मैं घर पहुँच के आती हूँ, उसको ये कहिए, विल वेट अनटिल आई सी यू बैक, तुम्हारा तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक तुम अपना घर का सारा काम काज करके वापस नहीं आ जाती। आता है सबसे फेमस आंसर, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। पूरी दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 99 लोग हाउ आर यू का आंसर आई एम फाइन थैंक यू ही देते हैं, मगर मेरे दोस्त आप अभी फ्लर्टिंग मूड में हैं तो आपको आई एम फाइन थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ अलग बोलना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू तो आप उसको कहिए आफ्टर सीइंग यू मोर बेटर, तुमको देख के मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, मैं तो मेरे दिल में तो तितलियाँ उड़ रही हैं। अगर कभी आप WhatsApp या Facebook में ऐसे ही बार बार स्क्रॉल कर रहे हो, किसी का DP देख रहे हो बार बार, और अगर वो ऑनलाइन आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे, अरे मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। इसको कहेंगे आई वॉज लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। अब चैट करते करते अब समय आया है बाजी मारने का, तो अब आप क्या कहेंगे उसे, उसे कहिए आई एम फॉलिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में धीरे धीरे पड़ रहा हूँ, इसको कहते हैं आई एम फॉलिंग फॉर यू। अब इसके दो अपॉर्चुनिटीज़ निकलते हैं, या तो लड़की आपको लात मार के भगाएगी या तो हाँ कहेगी। डायरेक्टली तो वो हाँ नहीं कहेगी, वो कहेगी आई फील द सेम फॉर यू, तुमने जो अभी कहा वही सेम कॉपी पेस्ट है मेरे दिल में। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, या तो वो बहाना बनाएगी कि वो किसी और के साथ फंसी हुई है, या तो वो सीधा कह देगी थोबड़ा देखा है अपना रास्ता नाप। इन दोनों का इंग्लिश क्या होगा? अगर वो किसी और के चक्कर में है तो वो कहेगी आई एम सीइंग समवन, मैं किसी और को देख रही हूँ, मैं किसी और से मिलती हूँ। और अगर वो आपसे मिलना ही नहीं चाहती कभी, आपकी होना ही नहीं चाहती, तो वो कहेगी सॉरी नॉट इन रियलिटी। पहले इसको कहते थे इन योर ड्रीम्स, इन योर ड्रीम्स बहुत ज़्यादा ही रूड लगता है, इससे आपस में नफरत भी पैदा हो सकता है, इसीलिए इसको पोलाइट ढंग से बोलिए सॉरी नॉट इन रियलिटी, सच्चाई में हम लोग एक साथ नहीं हो सकते, तुम सपने में कर लो शादीवादी, मेरे को कुछ नहीं पड़ता। दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया लिखाया समझाया है, मेरे ख्याल से इतनी अंग्रेजी पटाने के लिए काफ़ी है। हाँ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब के बटन दबावे बिल्कुल ना भूली। धन्यवाद।